हेलो एवरीवन, मैं अभिनय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभी टेक क्लासेस। मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं मैं। कोई भी स्टूडेंट मेरे से ये नहीं पूछेगा कि हमें मैथ किस बुक से पढ़नी है, क्योंकि आपकी ये समस्या मैंने बिल्कुल खत्म कर दी है। आइए बताते हैं कैसे। अब मैं बताऊंगा आपको कि हमें किस किस बुक से हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बुक है हमारे पास आर एस अग्रवाल की, हम आर एस अग्रवाल की बुक से पढ़ेंगे। जो दूसरी बुक है हमारे पास वो है हमारे पास राकेश यादव सर की, राकेश यादव सर की बुक से भी पढ़ेंगे। और तीसरी बुक है एक हमारे पास एस टी यादव सर की, ठीक है। अब इन तीन बुक से पढ़ने के साथ साथ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तैयार किए हैं। बस आपको एक छोटा सा मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा, वीडियो में जितने भी फॉर्मूले आएंगे आप उसी दिन याद करोगे उनके, और जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को रोज करोगे। चलिए तो टाइम ना खराब करते हुए अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं, जो है हमारी बोर्ड मास पे। सबसे पहले जानेंगे हम बोर्ड मास होता क्या है, ठीक है, बोर्ड मास कैसे यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले बोर्ड मास को लिख लेते हैं। ये हमने बोर्ड मास लिख लिया। अब एक एक अल्फाबेट को जानेंगे कि क्या कह रहा है वो हमसे। सबसे पहले आता है बी। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं। अब ब्रैकेट भी हमारे पास तीन तरह के होते हैं, तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट होता है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, जिसे हम कहते हैं छोटा ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट होता है हमारे पास मिडिल ब्रैकेट, जिसको हम कहते हैं महिला ब्रैकेट। तीसरा हमारे पास होता है बिग ब्रैकेट, जिसे हम कहते हैं बड़ा ब्रैकेट। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर तीनों ब्रैकेट हमारे किसी भी क्वेश्चन में आ गए तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर महिला ब्रैकेट को, और फिर बड़े ब्रैकेट को। जैसे हमारे घर में कोई भी सामान आता है खाने का, तो सबसे पहले किसे दिया जाता है, छोटे भाई को दिया जाता है, फिर उससे बड़े वाले को दिया जाता है, और सबसे एंड में लेता है सबसे बड़ा वाला। अब ये मुझे नहीं पता है कि आप लोग कैसे करते हैं, बट मैथ में अगर हम चलेंगे तो बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेंगे, ठीक है। अब दूसरा लेटर देखते हैं क्या कह रहा है। ओ का मतलब होता है ऑफ, इसको हिंदी में हम कहते हैं का। अगर दो संख्याओं के बीच में का लिखा हुआ है तो हम का को हटा के कौन सा साइन लगाएंगे, जैसे उसमें लिखा हुआ है दो का चार, तो अब क्या करेंगे, जब हम का को हटाएंगे तो गुणा का साइन लगाते हैं और इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इन दोनों को कोष्टक में लिख लेते हैं, ठीक है। हमें पता चल गया ओ का मतलब क्या है। अब हम जाते हैं डी पे। अब डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है, जिसे हम भाग कहते हैं, इससे हम सब अवगत हैं। अब हम देखेंगे एम का मतलब क्या है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। अब ए का मतलब देखेंगे हम, ए का मतलब होता है हमारा एडिशन, जिसका मतलब होता है जोड़, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एस क्या होता है हमारा, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, ठीक है। अब हम एक एक चीज को क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसके थ्रू देखेंगे कि क्या करना है हमको। भैया वो मिला है आपके घर, गाड़ी से बह रहे गहरे हो जा रहे, सवाल को देखने से पहले आपको एक बात याद रखनी है। बोर्ड मास जब हम रूल यूज करते हैं तो कैसे चलेंगे, हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे। कैसे चलेंगे, बाएं से दाएं की ओर, मतलब अगर सवाल में सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट है या नहीं है। अगर ब्रैकेट है और ब्रैकेट में भी देखेंगे कि कौन कौन सा ब्रैकेट है, वो मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं छोटे वाले को, फिर महिला ब्रैकेट को, और फिर बड़े ब्रैकेट को। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व, बात आपको याद रखनी है बोर्ड मास का रूल कैसे यूज करते हैं। हम चलते हैं बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर का लग रहा है तो हम का को सॉल्व करेंगे, फिर हम भाग को करते हैं, फिर हम गुणा को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम जोड़ को करते हैं, और अंत में सबसे करते हैं हम किसको, घटाने को करते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल लिया है हमने, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे बोर्ड मास हम लगाते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर सारे डाउट क्लियर हो गए तो टॉपिक बहुत ही आसान लगने लग जाता है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहले देखा
ब्रैकेट इस सवाल में नहीं है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ही नहीं क्योंकि है ही नहीं। अब हमने देखा ऑफ का लग रहा है नहीं लग रहा। अब इसके बाद में हम डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन भाग किन किन संख्याओं के बीच में लग रहा है। हमने देखा इन दो संख्याओं के बीच में क्या है भाग लग रहा है तो इन दो संख्याओं को भाग करेंगे। और भाग करने के लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा जो दाई संख्या होगी दाई ओर वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है नीचे आ जाती है उसी संख्या से हम भाग देते हैं। तो अगर मैं 16 को 8 से भाग दूंगा तो कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो हम लिख लेते हैं इसको ये 2 आ गया हमारा इन दोनों का भाग करा। अब मैंने देखा भाग होने के बाद हम क्या करते हैं गुणा करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब हम देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में गुणा हो रहा है। मैंने देखा इन दो संख्याओं के बीच में गुणा हो रहा है तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं हम तो 6 दूनी क्या हो गया 12 हो गया। इसको लिख लेते हैं 12 प्लस 12 माइनस 14। अब क्या करेंगे हम अब हमने देखा अब क्या करेंगे हम जोड़ करेंगे किन दो संख्याओं के बीच में जोड़ है 12 और 12 के बीच में इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 12 और 12 कितना हो गया 24 हो गया। अब 24 में से हमें 14 घटाना है तो क्या उत्तर आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। बस इस बॉड मास वाले रूल को हम याद रखेंगे कैसे जाना बाएं से दाएं की ओर। अब एक दूसरा सवाल लेते हैं और अब देखते हैं दूसरे सवाल में उसने क्या दे रखा है। हमारे पास ब्रैकेट भी है भाग भी है और गुणा भी है तो हम क्या देखेंगे हम बॉड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले किसे सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। अब हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट में भी देखेंगे कि हमें क्या सबसे पहले सॉल्व करना है। हमने देखा ब्रैकेट में भाग है प्लस है माइनस है तो सबसे पहले किसे सॉल्व करते हैं भाग को करते हैं। आप देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में भाग है इन दो संख्याओं के बीच में भाग है और मैंने आपसे बताया था भाग में जो दाहिनी वाली संख्या होती है उससे हम क्या करते हैं भाग देते हैं संख्या को। तो हम इस दाहिनी वाली संख्या को क्या करेंगे नीचे लिख देंगे तो 120 को अगर हम 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो हम यहाँ 3 लिख लेते हैं ये 6 ये 9 और ये गुणा 32 ठीक है। अब इसके बाद मैंने बोला इसके बाद हम क्या करते हैं अगर हमारे पास गुणा होता तो हम गुणा करते लेकिन हमारे पास गुणा नहीं है तो हम क्या करेंगे जोड़ करेंगे। अब मैंने देखा 3 और 6 को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आया 9 आया फिर माइनस 9 और 32 का गुणा। अब हम घटाएंगे इन दो संख्याओं को तो 9 में से अगर 9 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा तो हमने 0 लिख लिया और 32 का गुणा कर दिया। अब याद रखेंगे किसी भी संख्या का अगर हम 0 से गुणा कर दें तो उत्तर में हमें क्या मिलेगा 0 मिलता है तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये सिर्फ उत्तर नहीं है 0 ये आपकी समस्याओं का अंत है। अगर आप मेरे से लास्ट तक वीडियो तक जुड़े रहेंगे तो इस टॉपिक में आपका जो भी डाउट है मैं सारे क्लियर करूंगा। अब ये नया सवाल देखते हैं हम धीरे धीरे क्या है टफ सवाल करेंगे। सबसे पहले हमने इजी करा था थोड़ा सा टफ है। देखिए अब हमें दे रखा है क्या तीनों ब्रैकेट दे रखे हैं तो मैंने बताया था कि बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी हमारे पास तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके देखेंगे इसमें छोटा वाला ब्रैकेट है हमारे पास छोटा वाला ब्रैकेट दिया हुआ है ये तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी फिर हम देखते हैं कि भाग है तो भाग को करेंगे गुणा है तो गुणा को करेंगे तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये जो संख्या है इनको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 27 भाग 1 प्लस। अब हम ये सॉल्व करेंगे तो मैंने देखा सबसे पहले भाग करेंगे 8 का भाग 4 से देना है तो कितना आएगा 2 आएगा तो हमने 2 लिख लिया फिर गुणा का साइन 3 प्लस 2 ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे इसी ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करेंगे तो हम इससे बाहर निकलेंगे। अब मैंने देखा भाग हो गया हमारा अगर आप देखेंगे किसी संख्या के बीच में गुणा का साइन है साइन तो उन दो संख्याओं को सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 गुणी क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा और फिर ये क्या लिखा हुआ है प्लस का 2 ठीक है। फिर क्या करेंगे गुणा के बाद हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आएगा 27 भाग 1 प्लस 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। अब हमने देखा कि इस छोटे वाले ब्रैकेट में हमारे पास कुछ भी करने को नहीं बचा है तो क्या करेंगे अब हम इस छोटे वाले ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे तो बाहर आएंगे तो क्या है 8 लिखा हुआ था वो 8 ही रहेगा प्लस का साइन था तो इस 8 का क्या करना हमें जो भी हमें संख्या दी हुई है महिला ब्रैकेट में उसके साथ जोड़ देंगे तो 8 और 1 9 हो गया 8 और 1 9 हो गया। तो अब हमने देखा इस महिला ब्रैकेट में अब हमारे पास कुछ और बचा है करने को नहीं बचा तो इस महिला ब्रैकेट से भी क्या करेंगे हम बाहर आ जाएंगे तो बाहर आया तो बाहर
देगा हमें कौन सा साइन दे रखा है, भाग का दे रखा है। तो अंत में क्या करेंगे फिर हम भाग करेंगे, तो 27 का 9 से भाग करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 3 उत्तर आएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप बने रहिए, बहुत बेहतरीन सवाल कराऊंगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी डाउट अगर आपका फिर भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब ये वाला सवाल देखते हैं, इसमें क्या कुछ नया हमसे कह रहा है वो। इसमें हमने देखा क्या, हमारे पास का दे रखा है, तो अब हम का वाला सवाल भी करेंगे। और एक नई चीज और आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल रही होगी कि इन दो संख्याओं के ऊपर एक लाइन खींची हुई है, इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो एक नोट बना लीजिए, अगर ब्रैकेट के अंदर किन्हीं दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। चलिए तो सवाल को करते हैं, जैसे ये हमारा बेहतर लिखा हुआ है, इसको बेहतर लिख देंगे, भाग 3/7 का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने बताया ब्रैकेट में हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, जहां बार दिख रहा है हमें। तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 के बाद हमें क्या करना है, गुणा करना है जो भी संख्या दी हुई है। संख्या क्या दी हुई है हमें, 8 दी हुई है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में भाग नहीं है तो भाग नहीं करेंगे, उसके बाद गुणा आता है हमारा, तो हम किन संख्याओं के बीच में गुणा है, इन दो संख्याओं के बीच में, तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 8 एकम 8 हो गया, और उसके बाद क्या बचेगा हमारा, 6 बचेगा। तो हम लिख लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 72/3/7 का। अब 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14 को हम लिख लेते हैं, क्योंकि 14 के बाद हमारे पास ब्रैकेट में कुछ भी करने को नहीं बचा, इसलिए हमने 14 को क्या करा, ब्रैकेट से बाहर ले लिया, कोष्टक से बाहर ले लिया। अब हमारे पास ये आ गया, अब इसको ध्यान से सुनेंगे कि क्या करना है, ठीक है। अब हमें, मैंने बताया अगर हम एज अकॉर्डिंग बॉर्ड मास चलते हैं तो ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं, का को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, का को। तो हमारा इन दो संख्याओं के बीच में क्या लग रहा है, का लग रहा है। तो मैंने बताया का को जब हम हटाते हैं तो किससे हटाते हैं, गुणा के साइन से, और ब्रैकेट कोष्टक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कोष्टक बना लेते हैं। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 7 मेरा क्या है, नीचे लिखा हुआ है, हर है। हर का मतलब होता है 7 से क्या करना है, भाग देना है। तो भाग दे देते हैं इस 14 को, 7 से भाग दिया तो ये कितना जाएगा, 7 × 2 = 14। अब ऊपर क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का गुणा करेंगे, तो ये 72 हो गया मेरा, भाग किस, 3 × 6, इस 6 से मुझे क्या करना है, भाग करना है। तो कितनी बार जाएगा ये, 12 बार जाएगा। तो हमारा क्या उत्तर हो गया, 12 उत्तर हो गया। आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, एक मैं ऐसा सवाल कराऊंगा जो सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, आज उसे भी हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे अपनी दिक्कत को। अब देखते हैं नया सवाल एक और, धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चनों का क्या है, अपना लेवल हार्ड करते चले जाएंगे। जैसे अब ये वाला सवाल देखते हैं, इसमें क्या हमारे पास 2 कोष्टक दिए हुए हैं, उसमें हमें का भी दे रखा है और भाग भी दे रखा है। अगर ऐसे 2 कोष्टक हमें दे रखे हैं तो हम इन 2 कोष्टकों को अलग अलग हल करेंगे और एक साथ हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस कोष्टक में क्या है, हमारे पास का है, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, का को सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं 3/2 भाग, मैंने बताया आपको जब हम का को हटाते हैं तो क्या करते हैं, गुणा का साइन लगा लेते हैं। किसका साइन लगा लेते हैं, गुणा का साइन लगा लेते हैं। तो हमने ये यहाँ का को हटाया, गुणा का साइन लगा लिया, ब्रैकेट बना लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ देखा हमने 1/2 + 1/2 × 1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मैंने देखा यहाँ 3/2 है भाग, अब ये है मेरा कितना है, इसका हर का गुणा हर से होता है और अंश का गुणा अंश से होता है, तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 और 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमने भाग बना लिया, फिर ये करा हमने 1/2, अब ये हमें 1/2 × 1/2 क्या हो जाएगा मेरा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम देखेंगे जब हमारा दो भिन्न के बीच में अगर भाग आ जाता है तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इस भाग को गुणा में बदल देते हैं, इस भाग को गुणा में बदल देते हैं, और जो भी हमारा भिन्न होता है दाहिनी ओर उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो जो 1/4 था ये क्या हो जाएगा हमारा, 4/1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब हम दो भिन्नों को तभी जोड़ पाते हैं जब उनका हर समान होता है, तो अब यहाँ हमें हर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से अंश में गुणा और 2 का हर में गुणा। अब ये 2 दूनी
कितना हो जाएगा हमारे पास, चार हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास, दो, तो ये दो बटे चार हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो दो का हमने भाग दे दिया चार में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो तीन दूनी छह हो गया हमारे पास, अब ये भाग आया। अब यहाँ हम इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हर समान है तो हर को एक बार लिख लेते हैं, और दोनों अंशों को जोड़ के लिख लेंगे, दो और एक कितना हो गया, तीन हो गया। अब मैंने देखा इस कोष्ठक में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो क्या करेंगे, इन संख्याओं को कोष्ठक के बाहर लिख लेंगे। तो तीन बटे चार को जब हम कोष्ठक से बाहर लिखेंगे तो हमने लिख लिया तीन बटे चार लिख लिया। अब मैंने आपको बताया कि जब कोई भिन्न आ जाता है भाग के लिए तो क्या करते हैं हम, उस भाग को गुणा में बदल देते हैं, ये बदल दिया। और इसके बाद क्या करना होता है, हमें जो भी भिन्न है उसको पलट देते हैं हम, तो हम इसको पलट देते हैं, तीन बटे चार लिखा था तो इसको क्या कर देंगे हम, चार बटे तीन कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तीन का भाग देना है मुझे छह में, तो तीन का भाग दे दिया दो। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों अंशों का गुणा कर देंगे, तो चार दूनी क्या होगा हमारा, आठ होगा। तो इस सवाल का क्या है हमारा उत्तर, आठ है। आपको कोई भी डाउट आए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सबके डाउट क्लियर करूंगा। अब ये वाला सवाल देखते हैं हम, इसमें क्या नया है। अब हमने देखा इसमें क्या है, हमारे पास भिन्न में भी भिन्न दे रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ दे रखा हमें दो बटे तीन, तो इसको दो बटे तीन लिख लिया हमने। हाँ तो बेटा जाएगी ना, वो बनाएगी इसीलिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस सवाल में हमें जो दे रखा है दो बटे तीन दे रखा है, तो हमने दो बटे तीन लिख लिया गुणा तीन बटे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आप कौन में मैंने देखा क्या है हमारे पास, का है, तो मैंने बोला हम सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, तो पांच बटे छह को पांच बटे छह लिख लिया हमने, भाग का साइन लिख लिया। अब ये हमारा मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को कैसे हल करते हैं, चार का गुणा करेंगे, इसमें चार एकम चार, और जो अंश लिखा होता है उसको जोड़ देते हैं, तो चार एकम चार और एक पांच, तो ये हो गया मेरा पांच बटे चार। और का को मैंने आपको बताया, का को जब हटाते हैं तो कौन सा साइन लगाते हैं, गुणा का साइन लगाते हैं, तो ये गुणा का साइन लगा दिया दो बटे तीन। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो अब इसका मतलब क्या है, इसको और इसको हमने भाग दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या बचा है हमारे पास, ये दो बटे तीन आ गया गुणा तीन, और ये हो गया पांच बटे छह। अब जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो ये पांच, यहाँ एक बचा है, तो पांच एकम पांच हो जाएगा हमारा, और तीन दूनी छह हो जाएगा। अब ये है भाग, मैंने आपको बताया था जब दो भिन्नों के बीच में भाग आ जाए तो भाग को क्या करते हैं हम, गुणा के साइन से हटा देते हैं, और जो भी हमारा दाहिना वाला भिन्न होगा उसको क्या है, पलट देंगे। पांच बटे छह था तो ये क्या हो गया, छह बटे पांच हो गया, तो ये पांच से पांच कट गया, छह से छह कट गया, तो ये मेरा हर में क्या बचा है, यहाँ एक बचा है, क्या बचा है मेरा, एक बचा है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या करेंगे, दो बटे तीन का गुणा करना है तीन बटे एक से, तो इस हर का मतलब होता है कि अगर अंश में मेरा कुछ भी है ऐसा जो तीन से कट जाएगा तो हम उससे भाग दे देंगे, तो तीन का भाग दे दिया, कितना हुआ एक। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, एक का गुणा एक से करेंगे तो हर तो मेरा एक ही आएगा, तो लिखने की उसे कोई भी जरूरत नहीं है। अब दो एकम दो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, दो हो गया, ठीक है। आप अगर आपको ये सवाल ज्यादा टफ लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, जिससे क्या है आपको और समझ में आ जाएगा। अब ये वाला सवाल देखते हैं, ये सबसे ज्यादा आपको फेसबुक पे मिल जाएगा आपको, तो सबसे ज्यादा समस्या इसमें ये होती है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि इस चार का क्या करना है, पहले हमें गुणा करना है इसके अंदर या भाग करना है, तो आज की ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। चलिए सवाल को देखते हैं, उसने क्या बोला हमसे, चार गुणा तीन भाग। अब क्या मैंने आपसे बोला था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे वाले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो तीन तिरका क्या हमारा, नौ हो गया। नौ के बाद हमारे पास इधर कुछ बचेगा ब्रैकेट में, कोष्ठक में कुछ भी नहीं बचा, तो क्या होता है हम उस कोष्ठक से बाहर आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तीन भाग चार, फिर ये बीच वाला ब्रैकेट पहला ब्रैकेट बचेगा हमारे पास, चार गुणा तीन और भाग, ये क्या हो गया मेरे पास, नौ आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस नौ का क्या करते हैं, दाहिनी वाली संख्या क्या है हमारे, नीचे आ जाती है, भाग में चली जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये नौ जो है क्या हो जाएगा, भाग को गुणा में चेंज कर देंगे, और नौ का क्या कर देंगे, एक बटे नौ कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अब हम इसको भाग देंगे, तीन एकम तीन और तीन तिरका नौ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, चार गुणा तीन भाग चार
अब ये चार है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो सबका अंशों का अगर मैं गुणा करता हूं तो कितना आएगा निकल के, चार आएगा। और यहाँ क्या है, अपॉन में हर में क्या है, तीन है। अब इसके बाद हमारी दिक्कत शुरू होती है कि अब इस चार का क्या करें, इसमें गुणा करना है या भाग करना है। तो याद रखेंगे कोई भी संख्या अगर कोष्टक के बाहर दी हुई है और कोई भी साइन नहीं दिया हुआ तो उसका मतलब होता है गुणा, उसका मतलब होता है गुणा। मतलब इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ये चार गुणा चार बटे तीन, ठीक है, आपको अब समझ में आ गया। अब हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू गॉड मास सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब मुझे तीन का भाग देना है चार से, तो ये चार कहाँ आ जाएगा, मेरा हर में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, तीन बटे चार हो गया। क्या हो गया, तीन बटे चार हो गया। अब हम इन दोनों संख्याओं को हल कर लेते हैं, बीच में क्या है हमारा, गुणा का साइन, तो हम करते हैं। तो मैंने देखा भाग हो गया तीन से, तीन चला गया एक बार, और चार से चार चला गया, तो इस ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा है, एक बचा। अब एक का जब हम गुणा करेंगे चार से तो उत्तर क्या आएगा, चार आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया, चार हो गया। बस आपको याद क्या रखना है इसमें, कि अगर कोई भी संख्या हमारी लिखी हुई है कोष्टक के बाहर और कोई भी साइन नहीं दे रखा तो उसका मतलब होता है कि अगर हम इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो क्या साइन आ जाएगा, गुणा का साइन आ जाएगा। क्या साइन आ जाएगा, गुणा का साइन आ जाएगा। बस इस तरह से आप ये सवाल करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियो का आखिरी सवाल करते हैं, आजकल पेपरों में ऐसे ही सवाल आ रहे हैं तो इनको भी हम निपटा लेते हैं, अपनी समस्याओं को दूर करते हैं। इस टॉपिक को आज ही हम समाप्त कर देंगे। देखिए इसमें क्या, हमें सारे मिश्रित भिन्न दिए हुए हैं, ठीक है, तो भिन्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, मिश्रित को मैंने आपको बताया, हम हर का गुणा करते हैं इससे, आठ दूनी सोलह, और जो अंश होता है उसको जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सत्रह बटे दो हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने ब्रैकेट लगाया, फिर हमने ये सॉल्व करा, चार किया बारह, बारह और एक तेरह, तो ये हो गया तेरह बटे चार, फिर भाग का साइन लगा दिया, फिर हमने यहां करा चार एकम चार, चार और एक पांच बटे चार हो गया, माइनस एक बटे दो। फिर हम आए इस वाले छोटे वाले ब्रैकेट पे, अब हमने यहां लिखा दो एकम दो और एक ये तीन बटे दो, माइनस एक बटे तीन, माइनस एक बटे छह, ठीक है। अभी तक हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, सिर्फ मिश्रित भिन्न को क्या है, हमने भिन्न में लिखा है, ठीक है। अब हम जाएंगे किस पर, सबसे छोटे वाले को, मैंने बताया था अगर हमारे पास तीनों कोष्टक होते हैं तो सबसे पहले हम छोटे वाले को हल करते हैं, तो हम इसको हल करेंगे। तो मैंने देखा इसमें क्या है, सबका हर अलग अलग है, तो हम जोड़ और घटाव तभी कर पाते हैं भिन्नों में जब हमारा हर समान हो, तो हर को समान करने के लिए क्या करते हैं, हम लासा लेते हैं, क्या लेते हैं, लासा लेते हैं, दो तीन और छह का लासा लेंगे तो कितना आएगा, छह आएगा। तो मैं आपको बता भी देता हूँ लासा कैसे लेते हैं, हम दो तीन छह लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं, और सबसे छोटा जो है हमारा जिससे भाग जाता है संख्या से उससे भाग देते हैं, तो दो से भाग देंगे हम, दो से भाग दिया तो ये एक, जो भाग नहीं जाती उस संख्या को हम ऐसे ही उतार लेते हैं। अब छह का भाग देंगे दो से तो कितना हुआ, तीन हुआ। अब देखेंगे कौन सी संख्या से जा रही है ये दोनों संख्या, तीन से, तो तीन से भाग दे देंगे। अब लासा के लिए क्या करते हैं, जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है उनसे क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं, तो लासा कितना आ जाएगा हमारा, छह आ जाएगा। लासा कितना आ जाएगा हमारा, छह आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबका हर छह बनाना है। तो अब ये सबका हर छह कैसे बनाएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे मेरा क्या दे रखा है, दो दे रखा है, तो मैं कितने से गुणा कर दूं इसको कि ये छह हो जाए, तो तीन से गुणा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब अंश को भी तीन से करेंगे और हर को भी तीन से करेंगे। इसके बाद आ गए हम यहाँ पर, यहाँ देखा मैंने तीन लिखा हुआ है तो कितने से गुणा करें कि हर छह हो जाए, हमारा दो से गुणा कर देते हैं, तो ये दो से, यहाँ पे हमारा छह है तो कुछ भी गुणा नहीं करना। तो सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इनको सॉल्व करूंगा, तो देखते हैं क्या आएगा। अब ये क्या हो गया, मेरा सबका हर समान हो गया, ठीक है, सबका हर समान हो गया। अब जो संख्याएं हैं उनको, संख्याओं को हम ऐसे लिख लेते हैं, तीन तिरका नौ, इनके दोनों के संख्याओं के बीच में क्या है, माइनस का साइन, तो ये दो हो गया और ये माइनस का एक हो गया। मैंने देखा जिनके साइन सेम होते हैं वो दोनों संख्या जुड़ जाती हैं, तो दो और एक तीन, लेकिन याद रखेंगे साइन कौन सा था हमारे पास, माइनस का साइन था, तो तीन कैसा होगा हमारा, माइनस का तीन होगा, तो हमने माइनस का तीन लिख लिया। अब मैंने देखा नौ में से तीन गया, नौ में से तीन गया तो कितना बचेगा, छह बचेगा, तो हमने इन दोनों को घटा के लिख लिया छह। अब मैं छह का भाग छह से दूंगा, छह का भाग छह से दूंगा,
क्या बचेगा, एक बचेगा। तो मुझे पता चल गया कि हमने इस कोष्टक को हल किया तो कितना उत्तर आया हमारा, एक आया। अब हम आगे देखेंगे कि क्या करना है हमको। हम सारी संख्याओं को लिख लेते, 17/2 ब्रैकेट बनाया, 13/4 भाग 5/4 माइनस 1/2। मैंने देखा इसको हमने हल करा था तो क्या आया था मेरा, एक आया था। तो एक का होगा 1/2 में करूंगा तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। फिर ये हमारे पास भिन्न आ गया। अब भिन्न का क्या है, हर समान नहीं है, तो अब मुझे हर को समान बनाना, तो यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 2 से अंश में और 2 से हर में कर दूंगा तो क्या है मेरा, हर समान हो जाएगा। तो ये भी 4 हो गया और ये ऊपर क्या आ गया, 2, तो ये हो गया 2/4। अब इसको हम जब हल करेंगे तो 17/2 लिख लिया हमने और ये 13/4, अब ये कितना हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। हर अगर समान होता है, जो हमारा साइन होता है हम उसको वही लिख लेते हैं। तो 5 में से 2 गए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा। अब मैंने देखा अब हमारे पास कुछ है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, कुछ भी नहीं, तो इस संख्या को क्या करेंगे हम, बाहर लिख लेंगे। तो हमने ये बाहर लिख लिया। अब मैंने देखा बाहर जैसे हमने लिखा तो क्या साइन दे रखा है, भाग का साइन दे रखा है। तो मैंने बोला भाग के साइन को हम क्या करते हैं, गुणा में चेंज कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं, गुणा में चेंज कर लेते हैं। और जो मेरी दाहिनी ओर भिन्न होता है उसको पलट कर लिख देते हैं। तो पलट कर लिख देते हैं हम, 3/4 को पलट कर लिखेंगे तो क्या आएगा, 4/3 आएगा। अब इनको हम हल करेंगे तो 4 से 4 कट गया। अब क्या आ जाएगा, इनको सॉल्व करने के बाद मेरा आ गया क्या, 17/2 और मेरा इस ब्रैकेट में क्या लिखा है, 13/3। तो ये हो गया हमारा 13/3। तो ये ही मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्योंकि इससे ज्यादा अब ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी कट नहीं रहा है। अगर कुछ भी कट रहा होता या भाग हो रहा होता तो हम उसको काट देते। तो आज का वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको कोई भी कमी लगी मेरी वीडियो में तो कमेंट करके बताइए। कोई भी डाउट है कमेंट करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए।